हेलो फ्रेंड्स, श्याम रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन वाली भिंडी। वैसे तो आप बहुत बनाते होंगे ये वाली भिंडी, पर एक बार आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेंड्स, एक निवेदन है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी कि पाव किलो भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया था। अब हम भिंडी के दोनों साइड के एजेस निकाल देंगे और इसे हम बीच में से कट करेंगे। हमें इन्हें कट करके बीज वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है और भिंडी भी हमारी बहुत कम हो जाती है। तो बस इसी तरह हम भिंडी के चार पीसेस कर लेंगे। यदि भिंडी का साइज छोटा है तो दो पीसेस ही कर लीजिए। हमने सारी भिंडी को कट कर लिया है, अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो पहले मैं इसे बड़ी प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी प्लेट में मसाले अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। ये जो नाश्ते वाली चम्मच है उसी से सारा मेज़रमेंट ले रही हूँ। 1/4 चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही आधा चम्मच मैंने यहाँ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। फ्रेंड्स, मसाले वगैरह आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच गरम मसाला मिलाया है और साथ ही यहाँ मैंने आधा चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। इससे बहुत ही टेस्टी भिंडी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मसाला अच्छे से भिंडी के कोट हो जाए, इसके लिए हम 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से और नमक में से जो मॉइस्चर निकलेगा, उससे मसाला अच्छे से भिंडियों के कोट हो जाएगा। तो ये काम हाथों से ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो हमने मसाले को भिंडी के अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इतनी देर हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 4 चम्मच बेसन लिया है और गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है। 3-4 मिनट के लिए हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे, इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो बेसन की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बेसन को हम हल्की सी खुशबू आने तक भुनेंगे। तो ये बेसन में अच्छी सी खुशबू आने लगी है और हमें 4 मिनट के करीब हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बेसन को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स ऑयल की मात्रा कम कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही मैं यहाँ आधा चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं यहाँ 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ और साथ ही 2 पिंच के करीब हींग ऐड करेंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तब हम इसमें हमारी मसाला लगी हुई भिंडी को भी मिला देंगे। और अब हम भिंडी को लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये भिंडी बहुत ही जल्दी पक जाती है। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से कोट हो चुका है। पर फ्रेंड्स, इसमें मेरे को थोड़ा मसाला कम लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आधा चम्मच धनिया पाउडर और ऐड कर रही हूँ और साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। बस इस सब्ज़ी में मसाला अच्छे से लगा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। तो बस हम भिंडी को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, भिंडियों में से तेल सेपरेट होने लगा है। तो बस अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में चला लेना है हमें इसे। तो 2 मिनट हो गए हैं और भिंडियां हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो बस अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे और बेसन को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ 2 चम्मच बेसन मिला रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये देखिए। और अब हम बाकी बचा हुआ बेसन भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे पराठा, फुलका किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम वापस इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, बेसन अच्छे से भिंडियों पर कोट हो चुका है। तो बस आप चाहें तो इसे ढककर पका सकते हैं, मैं इसे खुला ही पका रही हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर मिलाएंगे। आमचूर के पाउडर की जगह आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप गैस का फ्लेम बंद करके नींबू का रस मिलाइएगा। और साथ ही मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को ऐड कर रही हूँ। मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया था, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्जी में। तो ये हमारी बेसन वाली भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, और मैं पास से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।